वेलकम टू किचन शिल्पीज एंड क्रिएशन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सोया चंक पुलाव। ये बनाने में बहुत ही इजी और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। ये बच्चों को काफ़ी पसंद भी आता है। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय नहीं देंगे और आगे बढ़ेंगे, जानेंगे आज की रेसिपी बनाने की विधि। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सोया चंक पुलाव बनाने के लिए ये मैंने ले लिया है एक बड़ा सा कोई भी पॉट या बर्तन ले लीजिए, भगोना ले लीजिए, और उसमें हम पानी रख दिए हैं लगभग 4 गिलास पानी उबलने के लिए। और इसमें हम डाल देंगे ये कुछ साबुत गरम मसाले, इसमें 2-3 से लौंग और 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और ये मैंने 2 चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं या फिर घी डाल दीजिए, जो भी आपके पास हो वो चीज़ आप इसमें ऐड कर दीजिए। घी और ऑयल ऑप्शनल है। अब इसे हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, नमक स्वादानुसार लगभग 1 टीस्पून। अभी हम इस पे लिड लगा देंगे और पानी को अच्छे से बॉयल हो जाने देंगे। और चावल मैंने तब तक रख दिया है भिगा के, धुल के। और ये प्याज हमने देखिए बारीक कट कर लिया है, 2 से 3 प्याज, इसे हम डीप फ्राई करेंगे। और ये चावल भिगा के पहले ही रखा हुआ, अब इसमें हम इसे ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से बॉयल कर लेंगे। इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक बॉयल करेंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गया है, चावल को हम चेक कर लेंगे। चावल देखिए हमारा अच्छे से 90% कुक हो गया है। अभी हम इसे किसी छन्नी से छान लेंगे और उसमें छन्नी में ही थोड़ा फैला के इसे रख देंगे। और ये हम कुकर में बनाएंगे। कुकर ले लिए हैं, कुकर गरम कर लेंगे और इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छे से गरम हो जाने देंगे। अभी इसमें हम डाल देंगे 2 तेज पत्ता और ये गरम मसाला है, 1 बड़ी इलायची है, लौंग है और दालचीनी है। ये सब हम कूट लेंगे और कूट के इसे डाल देंगे, क्रश करना है। आप चाहें तो साबुत भी थोड़ा सा क्रश करके डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून हम पका लेंगे अच्छे से। अभी हम इसी घी में ऐड कर देंगे थोड़ा सा कलर। आपके बच्चे जो भी कलर पसंद करते हैं या आप लोग जो भी कलर देना चाहते हैं, ये मैंने थोड़ा ऑरेंज रेडिश लिया है। इस तरीके से घी में मिला देंगे और ये चावल अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और तब तक मैंने सोया और थोड़ा सा भिगा दिए थे पहले ही, उसे भी डीप फ्राई कर लिए हैं। प्याज को भी हम फ्राई कर लिए हैं, ये देखिए। और इसे डाल देंगे इस तरीके से, थोड़ा सा हरा मटर लगभग 1/2 कप, और ये चावल की परतें हम ऐसे इस तरीके से लगा देंगे कि हमारा चावल और सोया बढ़िया अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा चावल भी ना टूटे। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर चावल थोड़ा आपको कच्चा लगे तो थोड़ा सा पानी का आप छींटा इस पे दे सकते हैं, लगभग 1/2 कप पानी। प्याज मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है प्याज, तो बस इसीलिए प्याज हमने यूज किया है। अगर आप प्याज स्किप करना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं।
इस तरीके से प्याज हम लेयर कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे, लगभग आधा कप, और इस पे एक सीटी लगा देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। अगर ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी, एक नए स्वाद और एक नए जायके के साथ।